वन डे कंप्लीट एग्जाम्स के लिए एक घंटे की करंट अफेयर की कभी भी आवश्यकता नहीं होती है। तो कोई भी चैनल अच्छा लग रहा है जो भी है, ठीक है, तो आप उतने मिनट का करंट अफेयर देखो और उतने क्वेश्चन आप लगाओ, बस दैट्स इनफ। अब करंट अफेयर हमें कितना पढ़ना है, तो करंट अफेयर हमें बहुत ज्यादा भी नहीं पढ़ना कि हम एक घंटे की वीडियो किसी की बैठ के देख रहे हैं, नहीं करना भाई इतना। और करंट अफेयर को ऐसा भी नहीं करना है कि आखिर के एक मंथ में छह महीने का करंट अफेयर पढ़ के चले जाएंगे, दोनों का नुकसान है। अगर हम एक एक घंटे की डेली वीडियो देखेंगे तो आप यू समझ लीजिए कि इस एक घंटे में आप ग्रामर की बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर सकते थे, रीजनिंग या मैथ की बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर सकते थे, लेकिन आप करंट अफेयर के एकदम डेप्थ लेवल में चले गए, जैसे आप इसका एकदम ओसो ही बनना चाह रहे हैं और इसके ऊपर किताब लिखेंगे। कोई चैनल करा रहा है एक घंटे, वो बहुत अच्छी बात है, हो सकता है किसी और परीक्षा के लिए जरूरत हो, लेकिन वन डे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए एक घंटे की करंट अफेयर की कभी भी आवश्यकता नहीं होती है। मैक्स टू मैक्स जो करंट अफेयर का रहता है वो रहता है आपको कि डेली के कम से कम अगर हम बात करें तो 10 से 15 क्वेश्चन हो गए वो बहुत है, और वीडियो लेंथ की बात करते हैं तो मुझे लगता है 15 से 25 मिनट जो है वो बहुत है, ठीक है। इतने मिनट की आप वीडियो देखिए, जैसे हमारे दीपक सर है वो करंट अफेयर पढ़ाते हैं, आपको कोई भी चैनल अच्छा लग रहा है जो भी है, ठीक है, तो आप उतने मिनट का करंट अफेयर देखो और उतने क्वेश्चन आप लगाओ, बस दैट्स इनफ। अब यहां पर इनके क्या नोट्स बनाना जरूरी है, ये भी बच्चों के मन में आता है कि सर करंट अफेयर का क्या हम डेली बेसिस पर नोट्स बनाए, तो देखो करंट अफेयर के कभी भी नोट्स नहीं बनाए जाते। करंट अफेयर में किन बातों का नोट्स बनाया जाता है वो बहुत जरूरी है। जैसे यू समझ लो कि दुकान में 100 चीजें हैं खाने के लिए, तो 100 के 100 खाने के लिए हैं लेकिन वो एक ही दिन खाने के लिए नहीं है, ठीक है। तो करंट अफेयर में हम नोट्स क्या बनाना चाहिए, मैंने पहले भी कहा ऑफलाइन में, तो जो पार्ट आपका स्टैटिक का रहता है, जो नहीं बदलता है, आप उनके नोट्स बनाओ। जैसे मानो मैं करंट अफेयर पढ़ाया, मैंने 20 मिनट का लेक्चर, आपने मेरी वीडियो देखी, तो ये नहीं कि आज मैं जितने क्वेश्चन बोर्ड पर लेकर आया हूं आपको अपने सारे नोट्स बनाने, बिल्कुल भी नहीं। इसमें जो स्टैटिक पार्ट था, जैसे कौन से राज्य में कौन सी झील मौजूद है, कौन सा दर्रा किस राज्य से होकर पास करता है, ये चीजें नहीं बदलने वाली है। तो ये नहीं बदलने वाली है, तो इनके नोट्स आप अपने कॉपी में बनाएं ताकि इनको जितनी बार भी आप रिवाइज करें ना उतना आपको मजा आए। यहां पर किस राज्य के सीएम कौन से नियुक्त हुए हैं यहां पर, तो इन सभी बातों पर ध्यान देना होता है, अच्छे तरीके से इनको पढ़ना होता है और इनके नोट्स बनाने होते हैं। किसी भी प्रतियोगिता एग्जाम के लिए जो करंट अफेयर महत्वपूर्ण होता है वो आखिरी के 6 से 7 महीने का करंट अफेयर जरूरी होता है। इससे ना ज्यादा पढ़ना है ना इससे हमें कम पढ़ना है, ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि मार्केट में दो किताबें बहुत अच्छी हैं, अगर आप मान लीजिए कि शुरू से थोड़ी 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 वीडियो देखने की आदत लगाइए और आखिरी के एक डेढ़ महीने में स्पीडी की एक बहुत अच्छी किताब आती है, अब स्पीडी की किताब इंग्लिश में भी आने लगी है, पहले हिंदी में आती थी, आप स्पीडी की किताब जाके खरीद लीजिए, जो नोट्स बनाएंगे उससे कई गुना ज्यादा बेहतर मटेरियल इसके अंदर दिया गया होता है, तो वो आपका समय बचा देता है। जैसे मेरा अगर मैं आपकी जगह रहता तो मैं इतना करता कि मैं आराम से, जैसे दीपक सर पढ़ाते हैं, आराम से उनकी वीडियो देखी 15 मिनट का जितना उन्होंने कराया, ठीक है, मैंने उनके बहुत बढ़िया तरीके से जो स्टैटिक वाला पार्ट है वो नोट्स बनाए, इससे ज्यादा फालतू की चीजें लिखी नहीं मैंने, और जब मेरा परीक्षा आया तो उसके बाद मैंने स्पीडी की किताब खरीद ली और यहां से बाकी चीजें कवरअप कर ली। क्यों? क्योंकि इस स्पीडी की किताब में मुझे क्या क्या मिल जाता है जो मेरे काम की है। सबसे पहले करंट अफेयर में जो होता है वो जरूरी होता है अपॉइंटमेंट आपका, कि यहां पर किन किन लोगों की, यहां पर अगर मैं बात करूं करंट अफेयर में, और पढ़ना भी क्या होता है और छोड़ना भी क्या होता है, यह भी बहुत जरूरी है। तो करंट अफेयर में अगर आप देखोगे तो सबसे पहले हो जाता है आपका अपॉइंटमेंट, जो यहां पर अपॉइंटमेंट हुए। अब अपॉइंटमेंट यहां पर ये नहीं है, ठीक है, कि फलाने फिल्म के प्रोड्यूसर कौन अपॉइंट हुए हैं, वो जरूरी नहीं है। यहां पे अपॉइंटमेंट का मतलब यहां पर हो गया कि यहां पर कौन से राज्य के गवर्नर किसको बनाया गया है, ठीक है, यहाँ पर जो है वो बहुत जरूरी है। आनंदीबेन पटेल जो है या और भी जो लोग हैं यहाँ पर, ठीक है, या मध्य प्रदेश के यहाँ पर सीएम कौन है, या शिवराज सिंह चौहान जो है मध्य प्रदेश के सीएम बने तो कितनी बार बन चुके हैं, इस तरीके से करके जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं उन पर काम करना होता है। दूसरा जो हो गया वो हमारा बुक एंड ऑथर पर काम करना होता है। अब बुक एंड ऑथर में भी दो तरह के होते हैं, एक बुक एंड ऑथर यहाँ पर ये हो गया मेरे भाई जो पहले चला रहा है, जैसे बाबरनामा हो गया आपका, ठीक है, तो ये जो हो गई जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर की जितनी किताबें हो गई आपका, तो ये जो ओल्ड किताबें हो गई ना, ये एक तो इनके बारे में जो है आपको पढ़ना है, और दूसरा अभी जो नया लॉन्च हुआ है, जैसे मोदी जी ने कोई किताब लॉन्च किया, ठीक है, या फिर मान लीजिए कि किसी और पॉलिटिकल लीडर ने शशि थरूर की किताब बैक टू बैक आते रहते हैं यहाँ पर, तो वो जो है वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है बुक एंड ऑथर के बारे में कि नाम क्या है किताब का और उसको लिखा किसने है। तीसरा अगर हम करंट अफेयर में बात करते हैं यहाँ पर, तो तीसरा जो हो जाता है वो हमें पीआईएन पर ध्यान देना होता है। अब ये पीआईएन क्या है, तो पीआईएन का मतलब हो जाता है पर्सन इन न्यूज, जो पर्सन सबसे ज्यादा चर्चा में होता है। कोई व्यक्ति जो है अगर मान लीजिए अपने खेल की वजह से बहुत ज्यादा चर्चा में है तो उससे पूछा जाएगा, जैसे मान लीजिए सूर्य कुमार यादव हो गए तो उनके बारे में पूछा जा सकता है कि डेब्यू इन्होंने कब किया हुआ था, ठीक है, इन्होंने कितने टेस्ट खेले हैं, कितने ओडीआई खेले हैं, इस तरीके से करके। बॉलीवुड से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं रहता है, बॉलीवुड में आपका जो क्वेश्चन रहता है वो आपका अवार्ड से रहता है, तो आपको अवार्ड में सबसे ज्यादा फोकस करना है। अब अवार्ड में आपको दो ही जगह से ज्यादा अवार्ड पूछा जाता है, एक तो आपका स्पोर्ट्स हो गया और दूसरा एक तरीके से फिल्म इंडस्ट्री हो गया, आप इनमें ध्यान रख सकते हैं, बाकी और कोई दूसरा ज्यादा अवार्ड की महत्व होती नहीं है। स्पोर्ट्स में भी आपके ओलंपिक्स होते हैं, विंटर ओलंपिक्स हो गया, पैरालंपिक्स हो गया, समर ओलंपिक्स हो गया, आपके अंडे यहाँ पर आपके अपने जो है इंडिया में काफी अलग अलग स्पोर्ट्स होता है उसके अंदर जो है, ठीक है, पूछा जाता है। तो ये स्पोर्ट्स में आपको जो है जो अवार्ड मिला है किसको, रेसलिंग में, ये भी पूछा जाता है फलाना व्यक्ति किस खेल से संबंधित है, रेसलिंग से कौन संबंधित है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पर जो है मीराबाई चानू का किस खेल से संबंध है, अभी इन्होंने हाल फिलहाल में फलाने ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता है, या ओलंपिक में भारत की जो स्थान थी वो क्या थी, इस तरीके से करके। और फिल्म में जैसे दादा साहब फाल्के अवार्ड हो गया और भी चीज़ें हो गई, तो ये अवार्ड यहाँ से भी पूछा जाता है। तीसरा अगर हम बात करते हैं तो जैसे कोई भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो गए यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर जो है एक तरीके से इवेंट का थीम हो गया, ये बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए कोई भी अगर ओलंपिक्स ही है तो उस ओलंपिक का पर्टिकुलर एक टाइटल भी होगा, ठीक है, अगर आप बात करेंगे 2020 में जो ओलंपिक है उसका टाइटल एक होगा, 24 में जो होगा उसका टाइटल होगा, उसके बाद यहाँ पर मेजबानी कौन करेगा, कौन सा कंट्री पिछली बार होस्ट किया था, कौन सा कंट्री उसको आगे होस्ट करने वाला है, तो ये सारी बातें यहाँ पर जो है इन बातों का ध्यान रखना होता है, और ये आप तभी याद कर पाते हैं जब आप डे बाई डे जो है वो डेली प्रोसेस से पढ़ते हैं। लास्ट अगर हम यहाँ बात करते हैं तो मिलिट्री एक्सरसाइज भी बहुत जरूरी होता है। जैसे अगर मैं मानो यहाँ पूछूं कि संप्रीति जो है, संप्रीति मिलिट्री एक्सरसाइज किसके बीच में होता है, अब जरा कमेंट बॉक्स में बताइए कि संप्रीति मिलिट्री एक्सरसाइज किसके बीच में होता है। फिक्स है यहाँ पर, फिक्स है कि संप्रीति फलाना फलाना देश के बीच में होगा, इंडिया और किसके बीच में होता है, चलिए बताइए। ऐसे कई सारे संप्रीति हो गए, एमओयू होता है, एमओआई होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो गया, इस तरीके से करके। तो ये सारी बातें जो है वो आपको ध्यान रखनी होती है। सर आप पक्के खिलाड़ी जब तक नहीं बनेंगे ना, यकीन मानिए आपसे कोई पेपर नहीं होने वाला है, ठीक है। आप बिल्कुल वीडियो को लाइक भी करते रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहेंगे।